ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2014 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। प्रश्न है, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट दो बार बज ना सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है, वह एक दो से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। यह छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख पुरुषोत्तम चोला देखते हो? यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना? तुम फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे, जिसको सुखधाम कहा जाता है। वहां के लिए ही तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। बैठे बैठे यह विचार आना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में यह जरूर रहता है, कल हम यह बनेंगे। वैसे तुम भी जब यहां बैठते हो तो भी जानते हो कि हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है और किसी मनुष्य के बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहां बैठे हो, समझते हो सत बाबा, जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वही यह नॉलेज देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते हैं, यहां बैठे हो यह तो याद होगा ना, हम आए हैं रिजुवनेट होने, अर्थात यह शरीर बदल दैवी शरीर लेने। आत्मा कहती है, हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना? पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। अभी तुम समझते हो हमको ऊंच ते ऊंच
भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और किसको नई दुनिया का जरा भी पता नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, देवी देवताएं भी तो नंबरवार होंगे ना, सब एक जैसे तो हो भी न सके, क्योंकि राजधानी है ना। यह ख्यालात तुम्हारे चलते रहने चाहिए। हम आत्मा अभी पतित से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं, तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे, बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो। याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है, तुम युद्ध भी समझते हो। यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है, इसमें ही बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। बच्चे कहते भी हैं, बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है। नंबर वन तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह का। बच्चे कहते हैं, बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विघ्न ना आए, परंतु फिर भी तूफान आ जाते हैं। आज क्रोध का, कभी लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया, बड़ी खुशी रही। बाप को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के आंसू भी आते रहे। बाप की याद से ही बहुत मीठे बन जाएंगे। यह भी समझते हैं, हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं। यह कोई समझते थोड़े ही हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं या परंपरा कह देते। तुम कहेंगे, हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है। निराकार कैसे यह नॉलेज देते हैं? बाप खुद समझाते हैं, मैं कैसे इस तन में आता हूँ, फिर भी मनुष्य मुझते हैं। क्या एक इसी तन में आएगा? परंतु ड्रामा में यही तन निमित्त बनता है, जरा भी चेंज हो नहीं सकती। यह बातें तुम ही समझकर और दूसरों को समझाते हो। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है।
आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। आत्मा अविनाशी है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? हम आत्मा। तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हमें अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं। गायन है आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है? वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता ज्ञान का सागर है। नहीं, यह है बाप की महिमा। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। तुम बच्चों को भी यह नॉलेज नहीं थी जैसे बेबी बुद्धि थे। बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर वन फूल। बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए वह फूल है। सबको कशिश करते हैं, जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं। बाप आए ही हैं सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। कई तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। पांच विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है। नंबर वन कांटा है देह अभिमान का, जिससे और कांटों का जन्म होता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं ना, इसलिए इसको दुखधाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसलिए उसको सुखधाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं, रावण कांटों का जंगल लगाता है, इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं और बाप पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने और ना जाने कोई। तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा में एक पार्ट दो बार बज ना सके। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह एक दो से नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता है। सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है।
वह कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पाठ भरा हुआ है। यह छोटी सी बात भी कोई के बुद्धि में आ ना सके। इस ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम जानते हो। यह स्कूल है ना, पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। यह बातें कभी सोची थी कि बाप आकर ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे। इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग के पुस्तक ही अलग है, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता है। ज्ञान के बिना सदगति हो भी कैसे? बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सदगति हो? सदगति में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे? नहीं, वहाँ है ही अपार सुख, फिर भक्ति किस लिए करें? यह ज्ञान अभी ही तुम्हें मिलता है। सारा ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारण करती है, फिर कहते हैं फलाना इस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है। अभी बाप समझाते हैं, सभी बच्चों का बाप पर हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वह फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं, वह सभी पत्ते लौट अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हें पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इन बातों में ही सब मूंझे हुए हैं। तुम बच्चे समझते हो, अभी हमें कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप कृष्ण तो देहधारी है। इनको यानी ब्रह्मा बाबा को भी दादा कहेंगे। तुम सब भाई भाई हो ना, फिर है मर्तबे के ऊपर। भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है? आत्मा तो एक छोटा सितारा है। इतनी सारी नॉलेज एक छोटे से सितारे में है। सितारा शरीर के बगैर बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए इतने ढेर ऑर्गन्स मिले हुए हैं। तुम सितारों की दुनिया ही अलग है। आत्मा यहाँ आकर फिर शरीर धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, वह भी जब तक शरीर में है। घर में आत्मा बाप को याद करेगी? नहीं, वहां कुछ भी मालूम नहीं पड़ता हम कहाँ हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में हैं, तब आत्माओं और परमात्मा का
मेला कहा जाता है, गायन भी है। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कितना समय अलग रहे, याद आता है कितना समय अलग रहे। सेकंड सेकंड पास होते 5000 वर्ष बीत गए। फिर नंबर वन से शुरू करना है, एक्यूरेट हिसाब है। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते। कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड निकाल सकते हो। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता ही नहीं पड़ता कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं। अंदाज लगा सकते हैं मिनट सेकंड का, हिसाब नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है, वह आते ही हैं बेहद की रात के समय। बाकी और भी जो अवतरण आदि होते हैं उनका पता पड़ता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चोला पहनती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सभी बातों को विचार सागर मंथन कर फिर औरों को समझाना होता है। कितने ढेर मनुष्य हैं, एक ना मिले दूसरे से। कितना बड़ा मांडवा है, जैसे बड़ा हॉल है जिसमें बेहद का नाटक चलता है। तुम बच्चे यहां आते हो नर से नारायण बनने के लिए। बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें ऊंच पद लेने के लिए। बाकी यह जो पुरानी दुनिया है वह तो विनाश होनी है। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा को फिर पालना भी करनी है। जरूर जब यह शरीर छोड़े तब फिर सतयुग में नया शरीर लेकर पालना करे। उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। भंभोर को आग लगेगी, पीछे यह भारत ही रहेगा, बाकी तो खलास हो जाएंगे। भारत में भी थोड़े बचेंगे। तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजाएं ना खाएं। अगर विकर्म विनाश नहीं होंगे तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा। तुमसे जब कोई पूछते हैं तुम किसके पास जाते हो, तो बोलो शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। यह ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा। बाबा कहते हैं बच्चे
तुम और कोई को प्यार नहीं करो, और संग प्यार तोड़ एक संग जोड़ो। जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, यह भी ऐसे है। 108 सच्चे आशिक बनते हैं, उसमें भी 8 सच्चे सच्चे बनते हैं, 8 की भी माला होती है ना। 9 रत्न गाए हुए हैं, 8 दानी 9वां बाबा, मुख्य है 8 देवताएं, फिर 16,108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता अंत तक। बाबा तो हथेली पर बहिष्त दिखलाते हैं, तुम बच्चों को नशा है कि हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं। बाबा से ऐसा सौदा करना है, कहते हैं कोई विरला व्यापारी यह सौदा करे, ऐसे कोई व्यापारी थोड़े ही है। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो, हम जाते हैं बाबा के पास। ऊपर वाला बाबा दुनिया को मालूम नहीं है, वो कहेंगे कि वह तो अंत में आता है, अब वही कलयुग का अंत है, वही गीता महाभारत का समय है, वही यादव जो मूसल निकाल रहे हैं, वही कौरवों का राज्य, और वही तुम पांडव खड़े हो। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो, भगवान घर बैठे आया हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी कमाई कर लो। यही हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ है, अब इसको कौड़ी बदले खोना नहीं है। अब तुम इस सारी दुनिया को राम राज्य बनाते हो, तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। बाकी आजकल कईयों की अकाल मृत्यु भी हो जाती है। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। अब तुम माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है, अबलाओं को बल देने वाला वह है, यही ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है, अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। दूसरा, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है, कौड़ियों के बदले इसे गवाना नहीं है, एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। वरदान है स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भवा।
सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रत्न हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। यह युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। स्लोगन है, सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। ओम शांति।